हाँ दोस्तों, झारखंड में जितनी भी वैकेंसीज हैं अब रद्द होने के कगार पे हैं, साथ ही साथ नई वैकेंसीज की भी आहट आ रही हैं। ऐसे में क्या झारखंड के छात्रों को अलग अलग एग्जाम जैसे जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी फॉरेस्ट झारखंड फील्ड वर्कर स्टेनोग्राफर या अलग अलग जितने भी एग्जाम हैं क्या उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्या नवम्बर में एग्जाम होगा, इस पर आज हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सरमा जी जो बीजेपी के हैं और इनको आपको मालूम है कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो एक तो हिमंता बिस्वा सरमा जी साथ ही साथ जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनको दायित्व तो दिया गया है कि झारखंड में कैसे एक स्पष्ट बीजेपी की सरकार जो है बनाई जाए। ठीक है, प्रत्येक लीडर करते हैं, दायित्व तो दिया जाता है, अलग अलग पार्टियों को दिया ही जाता है। ठीक है, तो इसी के दौरान आपको मालूम है कि झारखंड में फिलहाल अभी छात्र आंदोलन कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। इस दौरान में जेएसएससी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ट्विटर अभियान चलाया गया, फिर छात्र आंदोलन हुआ, छात्र अदालत लगाया गया। ठीक है, मगर जेएसएससी ने एग्जाम कैंसिल नहीं की। तो यहाँ पे छात्रों को सपोर्ट करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा जी असम के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे, जेएसएससी सीजीएल को में रद्द कर देंगे। सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट देते हो तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, तो ये पहला बात है। और हम चुनाव आयोग को कल ही इसका बारे में ज्ञापन देने जा रहा हूँ। नंबर दो, बीजेपी जब हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसी शपथ ग्रहण करने का 10 मिनट का बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करेगा कि सीजीएल एग्जाम रद्द किया जाते हैं और पहला कैबिनेट में ही नया सीजीएल एग्जाम का डेट दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, उन्होंने बोला कि ये साथ ही ये भी करेंगे कि यहाँ पे नया जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो भी तुरंत ही जो है लेके आ जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को। अब देखिए, अब सरकार किसी भी की भी बन सकती है, मैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर हूं नहीं। ठीक है, तो अब सरकार इनकी बने चाहे हिमंता जी की बने, मतलब कि बीजेपी की बने चाहे हेमंत सरकार बने, सरकार किसी की बने, यदि इनकी बनती है तो आप इनका सिनेरियो समझ गए। ठीक है, और नया एग्जाम डेट भी जो है वो दे देंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब क्या जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम यदि रद्द कर दिया जाता है तो क्या अन्य एग्जाम भी रद्द किए जाएंगे, जैसे झारखंड फील्ड वर्कर उत्पाद सिपाही जो कि ऑलरेडी रनिंग हो चुकी है, क्या ऐसा किया जाएगा? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है। साथ ही साथ आपके मन में और एक सवाल जो है आ रहा होगा कि यदि जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल किया जाता है तो क्या यह मामला कोर्ट पहुंचेगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल जो है वो ऑलरेडी दाखिल किया जा चुका है। ठीक है, तो कोर्ट तो ऑलरेडी मामला केस जो है वो हाईकोर्ट पहुंच ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कैंसिल होती है तो हाईकोर्ट में मामला जाएगा और उस कंडीशन में हाईकोर्ट डिसीजन लेगी कि क्या ये जो मतलब कि यहाँ पे कैंसिल का डिसीजन है वो सही है या गलत है, ये हाईकोर्ट डिसीजन लेगी। मगर यहाँ पे अभी तक के जो आप नजरिया देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसके पहले जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल किया गया था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी, है ना, जिसकी जांच एसआईटी अभी भी कर रही है। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हाईकोर्ट उसको अप्रूव करेगा नहीं करेगा, या आप चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट देने का काम जो है वो जज का होता है, मेरा नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, वो आप समझ रहे हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए, आगे बात करें तो जो बाकी एग्जाम है जैसे झारखंड फील्ड वर्कर है, उत्पाद सिपाही है, चाहे जेपीएससी फॉरेस्ट है, उसका एग्जाम नवंबर में होगा या नहीं होगा, क्या वो भी रद्द होगी, ये भी इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है अब लग रहा है कि नवंबर में एग्जाम होगी। ठीक है, और यदि एग्जाम हो भी जाती है, ठीक है, तो इन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है कि जेएसएससी सीजीएल ये रद्द करेंगे, और यदि एग्जाम होती है आनंद फानंद में, और चूंकि जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी आपके आपको मालूम है कि जितने भी यदि हम टीचर्स की बात करें, चाहे जितने भी सिक्योरिटी दिया जाता है, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बिजी होंगे, इस सूरत में यदि एग्जाम ले लिया जाता है नवंबर में और किसी प्रकार की गड़बड़ी की न्यूज आ जाती है बाहर, उस कंडीशन में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी और आप समझ रहे हैं चीजें क्या होगी। तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम टालने की ज्यादा संभावना है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना चाहिए, देखिए अब आपको एक चीज कर सकते हैं, आप जो भी मुझसे एनालाइज पर ऐप में पढ़ रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चले, या आप यदि सेल्फ स्टडी खुद भी करते हैं,
सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मगर आपको नवंबर का एक जो लास्ट है, नवंबर लास्ट, ये भी आप लेके चल सकते हैं, मगर इसमें भी संभावना मुझे कम लग रही है। ठीक है, तो आप दिसंबर जनवरी को आप टारगेट बना सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे सीजल का क्या होगा वो तो खैर सरकार किसकी बनेगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है तो ऑलरेडी रिजल्ट आ जाएगा, और इनकी सरकार बनेगी तो वो कैंसिल होगा और एक नया फ्रेश जो है एग्जाम का डेट आएगा। जेपीएससी फॉरेस्ट के कंसेप्ट में भी सेम चीजें हैं जो कि झारखंड फील्ड वर्कर और उसके लिए है, मतलब कि अब जेपीएससी का तो और स्थिति अभी ठीक नहीं है क्योंकि जेपीएससी में अभी फिलहाल चेयरमैन की ही नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो वो भी आप दिसंबर जनवरी का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।